अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे मेहंदी की क्लास 2 स्टार्ट है, व्लॉग बाय मोमिना। देन आज जो है हम कैरी बनाना सीखेंगे। हर एंगल से हमें जो है कैरी बनानी है और हमारी पेंसिल की नोक बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्लियर? देन आपको जो है मैंगो शेप में जो है अपनी कैरी बनानी है। कैरी आप लोगों की मेहंदी में जो है, मेहंदी में कट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो सबसे पहले जो है हम कैरी बनाएंगे, और मेरी वीडियो जो है बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। कैरी की जो है ना बहुत सारी शेप्स होती हैं, ये समझ लें, मतलब कैरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो है हमें यूज़ करनी होती है, ठीक है। हर एंगल से हमें बनाना आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली और कर्व में। तो मेहंदी में जो है आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने देखा भी हो, कैरी जो है हर एंगल से बनी हुई होती है। तो सबसे पहले ये बेसिक पॉइंट है जो हमें सीखने हैं। ये जो है मैं एक कैरी ऐसे बना रही हूँ, और सेकंड कैरी जो है मैं लोअर एंगल से स्टार्ट करके अपर एंगल पर ला रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देन अब ये देख रहे हैं आप लोग, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें आने चाहिए। तो बिगनर्स के लिए मेरी ये जो है क्लास बहुत जो है हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग मेरे साथ साथ ऐसे प्रैक्टिस करें, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को हर एंगल से कैरी बनाना सिखाई है। अब देखें, कैरी तो हमने बना ली, तो अब जो है कैरी पर हमें फ्लावर बनाना है। तो जो है मैंने राउंड शेप में जो है मैंने सर्कल किया और उसके ऊपर फ्रिल लगाई। फ्रिल हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, आप लोगों को याद हो तो। पहले मैंने लाइन क्रिएट की थी, और फिर जो है अब मैं ये देखें ये पेटल्स बना रही हूँ। ये देखें, इससे जो है हमारा एक समझें फ्लावर जो है कंप्लीट हो गया। ये देखें, नेक्स्ट में जो है मैंने वही अगेन कैरी बनाई है, फिर वही सर्कल करके ऊपर जो है 3 सर्कल करे हैं, और फिर जो है फ्रिल लगाई है, आप लोग देख सकते हैं। और फिर जो है मैंने पेटल्स लगा दी इधर, इससे जो है हमारा एक कट जो है तैयार हो गया है। और फिर ये देखें, ये मैंने इसको थोड़ा डार्क किया है, और इसके अंदर जो है मैं फिलिंग, ये जो मैं कर रही हूँ ना इसे फिलिंग कहते हैं, मतलब कि ये जो मैं कैरी के अंदर जो लाइंस डाल रही हूँ इसे फिलिंग कहते हैं। एंड आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।